अस्सलामुअलैकुम। आज मैं पोटैटो बकेट बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी होती है। इसके लिए मुझे पोटैटो चाहिए। ये मैंने मैश कर ली है कद्दूकश में। ये देखिए बहुत ही बारीक बारीक मैश है। इसके लिए मुझे ब्लैक पेपर थोड़ी सी और सॉल्ट चाहिए जो कि इसमें है, और मैदा चाहिए। मैदा मुझे अभी इसमें मिक्स करूँगी तो दिखाऊँगी। ये चने हैं जो मैंने बॉयल कर लिए हैं, नेट पे इसकी रेसिपी मौजूद है। अनार है, इमली की चटनी भी बनाई है जो नेट पे मौजूद है। ये दही है, इसमें खाली चीनी मैंने मिला के मिक्स कर ली है। ये हरे धनिया और पुदीने की चटनी है। पापड़ जो हैं ये घर के हैं और सेव बाज़ार से मंगाए हैं। तो चलिए इसको फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पोटैटो में, ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मैदा चाहिए वरना मैदे का टेस्ट आ जाएगा। हल्की सी बाइंडिंग के लिए ये देखिए मैं 1.5 टेबल स्पून से कम मैदा डाल रही हूँ। और इसमें अब ऐड करती हूँ ब्लैक पेपर और नमक, वो भी थोड़ा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए ब्लैक पेपर, सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, मैदा भी। अब 1 टीस्पून भर के मैं इसमें लूँगी और इसको अच्छे तरीके से सब तरफ लगा दूँगी, क्योंकि हमें बकेट बनानी है तो हमें इसको अच्छी तरह से फिल करना है और छन्नी से तेल छन के अच्छा आएगा जो ये अच्छी तरह से पक जाएगी। पोटैटो बहुत जल्दी पक जाएंगे क्योंकि मैश है, ये छोटे छोटे पीसों में कटे हुए हैं। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से फिल कर दिया छन्नी को। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, थोड़ी डीप मुझे कढ़ाई चाहिए थी वो मैंने ले ली है। अब मैं इसको इसमें रखूँगी और इसके साथ ही दूसरी छन्नी इस पर कवर कर दूँगी। अब इसको 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए जो ऊपर वाली छन्नी है अब इसको आप हटा दीजिए ताकि ये बीच में से भी अच्छे तरीके से पक जाए। आप देख सकते हैं कि ये साइडों से पक चुकी है अच्छी, खाली हमें ये बीच से पकानी है, वो भी एक दो मिनट में पक जाएगी अच्छी। देखिए ये बकेट अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, इसको इस नाइफ़ की मदद से निकालती हूँ। थोड़ा सा ऑयल जो है इसका निकाल लीजिए ऐसे। ये देखिए ये निकल रहा है अच्छे तरीके से। ये देखिए इसे साइडों से मैंने ये छुड़ा लिया, ये बहुत आराम से ये देखिए निकल आती है और ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हुई है, ये पक चुकी है। दूसरी भी मैं इसी तरह बना लेती हूँ। चलिए तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले चने, चने इसमें अच्छे तरीके से फिल कर दीजिए इसको चनों से। ये देखिए चने। अब दही, दही अच्छे तरीके से सारा सामान डालिए ताकि ये खाने में खूब टेस्टी लगे। वैसे बहुत टेस्टी ये लगती है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको ज़रूर लाइक करिएगा ताकि आपके लाइक्स मुझे मिलें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी हौसला अफज़ाई करिएगा चाट खा के। थोड़ी सी चटनी और, ये पापड़, ये पापड़ भी होममेड है, घर में बनाए थे मैंने। ये लीजिए सेव, हम ऐड में ये अनार। लीजिए पोटैटो बकेट तैयार है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।